फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीड कुमार, अक्षय कुमार के सुपर डुपर हिट फिल्म बेल बॉटम से। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि कल बेल बॉटम को उन सभी सिनेमाघर में रिलीज किया जा चुका है जो कि 50% ऑक्युपेंसी के माध्यम से खुल चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। और भाई कल मैंने भी इस फिल्म को देख लिया और इस फिल्म को देखने के बाद जो दिल से पहली आवाज़ निकली थी ना, वो ये थी कि भैया एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार ने ये बात पूरे वर्ल्ड के सामने साबित कर दी है कि भाई इन दिनों बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस का कोई असली सुपरस्टार है तो वो है अक्षय कुमार। यानी कि भैया हमारे बॉलीवुड में कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इन दिनों इन सुपरस्टारों को अपनी आने वाली फिल्मों को सिनेमाघर में रिलीज करने के लिए अच्छे दिनों की तलाश है मेरे भाई, अच्छे दिनों की। और वहीं पर इन अच्छे दिनों वाले सुपरस्टारों को अक्षय कुमार ने बेल बॉटम के माध्यम से ये मैसेज दे दिया है कि भैया अच्छे दिनों में तो कोई भी स्टार बड़ा सुपरस्टार बन सकता है कमाई के मामले में, लेकिन असल में असली सुपरस्टार वही होता है जो कि बुरे दिनों में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए। और भाई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है पहले दिन। तो भाई इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, चलिए मैं अब वो रिपोर्ट आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये बात तो जानते हो कि जब बेल बॉटम का रिलीज डेट हम लोगों के सामने आया था तो इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कई बड़े बड़े क्रिटिक्स के माध्यम से कि भैया ये फिल्म होपफुली पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 से 7 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, यानी कि इस फिल्म को लेकर ये प्रिडिक्शन किया गया था। तो क्या ये प्रिडिक्शन सही साबित हुआ है? तो भैया अब वो बात मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इस फिल्म का पहले दिन का जो ऑक्युपेंसी रिपोर्ट रहा शोज बाई, पहले आपको मैं वो बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस फिल्म का जो मॉर्निंग वाला शो था वो था 18.19% का, यानी कि मॉर्निंग वाले शो में इतना पब्लिक का रिस्पॉन्स देखने को मिला सिनेमाघर में, यानी कि इतने फुट स्टेप हमें देखने को मिले सिनेमाघर में। उसके बाद आफ्टरनून शो में ये आंकड़ा जो था वो और बढ़ा, यानी कि 19.12% हो गया आंकड़ा ऑडियंस का, यानी कि इतना फुट स्टेप और बढ़ा सेकंड शो में। उसके बाद इवनिंग वाला शो रहा इस फिल्म का, वो तो और उछाल मारा मेरे भाई, यानी कि 24.62% ऑक्युपेंसी रिपोर्ट हो गया इवनिंग वाले शो में। और अंत में यानी कि नाइट शो, वो तो और ऊपर गया मेरे भाई, यानी कि 29.82% का ऑक्युपेंसी रिपोर्ट आखिरी शो में यानी कि नाइट शो में देखने को मिला। और इन शोज के रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात कही जाने लगी कि भैया आने वाले दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। लेकिन पहले दिन इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया वो प्रिडिक्शन से थोड़ा सा हट के रहा, यानी कि भैया ये फिल्म ना तो 4 करोड़ का बिजनेस की, ना तो 5 करोड़ का, ना ही 6 करोड़ का, ना ही 7 करोड़ का। यानी कि भैया इस फिल्म का जो पहले दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो रहा 3.10 करोड़ का। यानी कि ये एक अच्छा, मैं बोलूँगा यार, इस सिचुएशन में बिजनेस जो इस फिल्म ने किया है, उम्मीदें तो हम लोग इस फिल्म से थी कि भैया हो सकता है कि 10 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसका कारण क्या है, ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया इन दिनों जो सिनेमाघर खुले भी हैं वो 50% ऑक्युपेंसी के माध्यम से खुले हैं, और भाई महाराष्ट्र की टेरिटरी नहीं खुली थी तो इसको लेकर ये बात तो पहले से कही जा रही थी कि भैया इस फिल्म का जो ओपनिंग वाला कलेक्शन रहेगा उतना बेहतरीन नहीं रहेगा। और भाई इस फिल्म का जो स्क्रीन काउंटिंग रिपोर्ट भी जो हम लोगों के सामने आया वो भी बेहतरीन नहीं है मेरे भाई। 1600 स्क्रीन में ये फिल्म रिलीज हुई है, केवल 1600 स्क्रीन में। और भाई अगर 1600 स्क्रीन में ये फिल्म पहले दिन 3.10 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो भैया ये खराब बिजनेस नहीं है मेरे भाई। यानी कि भैया एक बार फिर से अक्षय कुमार ने ये बात साबित कर दी है कि भैया 50% ऑक्युपेंसी के माध्यम से और बिना महाराष्ट्र के कलेक्शन के माध्यम से अगर ये फिल्म 3.10 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो भैया सोचो कि अगर ये फिल्म 100% ऑक्युपेंसी के माध्यम से अगर सिनेमाघर में रिलीज होती तो ये फिल्म कितना कलेक्शन करती। तो भैया मैं तो यहाँ पर मैं हौसले की, जज्बे की, यानी कि अक्षय कुमार के हौसले की, जज्बे की मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने इस विकट समस्या को देखते हुए और इस विकट घड़ी को देखते हुए भी अपनी फिल्म को उन्होंने केवल इस बात के लिए सिनेमाघर में रिलीज किया कि इन दिनों कई सारे सिनेमा ऑनर्स को, यानी कि सिनेमाघर के ऑनर्स को इस बात का उम्मीद था कि भैया बॉलीवुड की फिल्में अब धीरे धीरे सिनेमाघर में रिलीज की जाएंगी, क्योंकि भैया इन दिनों जो हालत हो गई है बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की वो काफ़ी खस्ता हो गई है। यानी कि भैया कितने सालों से, मैं तो बोलूँगा यार कितने सालों से बंद पड़े हैं सिनेमाघर, ऐसा सिचुएशन हो गया इन दिनों सिनेमाघर का। यानी कि भैया जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद में देश में लॉकडाउन हटा, लेकिन सिनेमाघर क्या प्रॉपर वे में खुल पाए?
तो भैया एक अच्छी पहल की है अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज़ करके, उनके इस फैसले की, उनके इस जज्बे की हम सभी को सम्मान करना चाहिए। और भाई वाकई में खिलाड़ी कुमार ने ये बात साबित कर दी है बेल बॉटम को सिनेमाघर में रिलीज़ करके कि वही बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के असली सुपरस्टार है मेरे भाई, असली सुपरस्टार। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।